संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में इस गीत का जो मैंने अभी आपको गा करके सुनाया है इसका मैं आपको नोटेशन बता रहा हूँ। बहुत ही प्यारा ये गीत है और हमारे इस गीत का स्केल जो है वो है डी शार्प, ठीक है। सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, और ये गीत हमारा राग पहाड़ी में है और इसको किशोर दा जी ने गाया है। बहुत ही प्यारा गीत है, ठीक है। तो हमारा स्केल डी शार्प रहेगा और मैं आपको इसी स्केल के हिसाब से नोटेशन बताऊंगा और मैं बहुत ही स्लो में इसका नोटेशन बताऊंगा, बिल्कुल शुरू से म्यूजिक के साथ, एक भी शब्द आपका छूटेगा नहीं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि इसको आप सही से समझ सकें और बजा सकें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आप उसे देखकर प्रैक्टिस करते रहे। चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें आपको करीब 1500 वीडियो मिलेंगे फिल्मी गानों के, नोटेशन के, भजन के। हो सकता है उसमें भी आपकी पसंद के बहुत सारे गाने हों, उनको भी देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप कोई गजल भजन या हारमोनियम कीबोर्ड ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, वीडियो कॉल से घर बैठे आपको सिखाया जाता है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है जैसे मैं बताऊं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका म्यूजिक देखते हैं, म्यूजिक इसका क्या होगा। बहुत ही प्यारा शुरू का म्यूजिक है, उसके बाद स्थाई, फिर सेकंड म्यूजिक, इस सब मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको म्यूजिक को एक बार बजा के दिखाते हैं और उसके बाद उसका हम नोटेशन बताएंगे, ठीक है। इस तरह हमारा ये म्यूजिक शुरू में बजेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट म्यूजिक है, अभी हमने इसको थोड़ा स्लो में बजा के दिखाया है। जब इसको आप प्रॉपर खूब प्रैक्टिस करेंगे और मीटर में आ जाएगा तो आपका ये बिल्कुल वैसे ही बजेगा जैसे गाने में बजा है। अब इसका सरगम देखते हैं, इसमें मैं फ्रेज बाय फ्रेज आपको म्यूजिक बताऊंगा तो म्यूजिक आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। सबसे पहला फ्रेज, ये हमारा सा है, गा मा पा धा नी सा रे गा, यहां में कोमल नी भी यूज होगा म्यूजिक में, ठीक है। शुद्ध नी कोमल नी दोनों यूज होंगे। गा मा पा धा नी सा रे गा, जैसे गा मा पा धा नी सा रे गा, लेकिन यहां पर आपको जो है ये अभी हमने सुलो में बताया है, ये स्पीड में आएगा, लेकिन पहले उसको आप स्लो में ही बजाएं इस तरह। जब आप उसको 10 बार 20 बार बजाएंगे तो वो अपना स्पीड में आ जाएगा इस तरह। गामा पाधा नी सा रेगा रेगा रेगा, यहां से भागेंगे, यहां गा पे रुकेंगे, उसके बाद रेगा रेगा उसी में जोड़ देंगे। गामा पाधा नी सा रेगा रेगा रेगा, ये पहला फ्रेज हुआ। दूसरा, अब नी गा पा धा, ये दूसरा फ्रेज है। नी गा पा धा मा धा नी सा रे गा, ये दूसरा फ्रेज होगा। दूसरे फ्रेज को आप फिर से देखें, नी गा पा धा मा धा नी सा रे गा,
और जब ये हमारा इसको आप बार बार बजाएंगे, इसको भी 20 बार 30 बार आप बजाएंगे तो ये आपका लय में आ जाएगा। जैसे इस तरह नी गा पा धा मा धा नी सा रे गा, उसके बाद एक कॉर्ड लेंगे इस तरह। कॉर्ड क्या हमारा है, धा सा और गा, ये कॉर्ड लेंगे ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे तीसरे फ्रेज पे। तीसरा फ्रेज क्या है, प 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 म रे ग ग ग ग ग ग ग प प प प प प म रे ग ग ग ग ग ग ग, ये हमारा तीसरा फ्रेज होगा। प प प प प प म रे ग ग ग ग ग ग ग, पहले तो हमें 5 बार पा अलग लेना है, प प प प प, फिर प म छठे में पामा को एक साथ, प प प प प पामा रेगा ग ग ग ग ग ग, रेगा एक फ्रेज होगा, उसके बाद अलग से 6 बार गा और, रेगा ग ग ग ग ग ग, रेगा ग ग ग ग ग ग, प प प प प पामा रेगा ग ग ग ग ग ग, प प प प प प म रे ग ग ग ग ग ग ग, 2 बार। ये हमारा तीसरा फ्रेज 2 बार बजाना है ठीक है। इसके बाद में फिर हमें कॉर्ड लेना है, ये कॉर्ड लेना है, यानी गा पा और नी, प प प प प प म रे ग ग ग ग ग ग ग, 2 बार कॉर्ड लिया। उसके बाद द 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 द, यहाँ पे द द द द द धानी, यहाँ भी सिस्टम वही है, पहले 5 बार धा अलग से लेना है, छठी बार धानी एक साथ, द 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 धानी, इस तरह धा 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 धानी, धा 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 धानी ठीक है, धा 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 धानी, सानी धा 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 धा, सिस्टम हमारा यहाँ पे भी वही है, धा 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 धानी सानी धा 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 धा, 5 बार धा, फिर छठी बार धानी, फिर सानी और फिर 6 बार और धा। इस तरह द द द द द धानी सानी द द द द द द, फिर 2 बार कॉर्ड लेंगे। ये हमारा चौथा फ्रेज था, दा 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 धानी सानी दा 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 दा, 6 बार दा लास्ट में ठीक है। ये हमारा चौथा फ्रेज हो गया। अब पांचवा फ्रेज, चार बार गा रे सा गा रे सा गा रे सा गा रे सा, 4 बार गा मा पा धा, सॉरी गा रे सा गा रे सा गा रे सा गा रे सा, 4 बार रे गा मा पा धा पा, ये हमारा पांचवा फ्रेज होगा। 4 बार गा रे सा लेने के बाद में रे गा मा पा धा पा, ये हमारा चौथे फ्रेज में ही पूरा ऐड हो जाएगा। फिर से देखें, गा रे सा गा रे सा गा रे सा गा रे सा रे गा मा पा धा पा, इस तरह हमारा ये शुरू का म्यूजिक एंड होगा। मैंने बहुत ही स्लो में बताया, आपको इसको जरूर समझ में आया होगा, और जैसे फ्रेज बाय फ्रेज मैंने बताया, अगर आप उस तरह उसको समझ के बजाएंगे तो पूरा म्यूजिक मस्त बजेगा ठीक है। उसके बाद ही स्थाई पे जाना है। अभी मैं आपको फिर से एक बार बजा के दिखाता हूँ म्यूजिक, देखिए स्लो में जब आप तैयार कर लेंगे तो कैसे बजेगा। Thank you.
ये म्यूजिक हमारा हो गया। इसके बाद हमारा आएगा गीत। अब यहां से शुरू होगा हमारा गीत। अकेला गया था मैं, हाँ मैं अकेला गया, गगम पधपा था मैं, हाँ मैं सापा सापा था मैं, हाँ मैं सापा सापा। न आया अकेला, हाँ न आया गगमपा, न आया गगमपा संग। मेरे मेरे में सिर्फ गा, मेरे संग संग गरे गरे, मेरे में खाली गा और संग संग में गरे गरे। मेरे संग संग, संग 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 दूसरी बार, संग 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 गा गरे गरे। मेरे संग संग, संग 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 गा गरे गरे, गा गरे गरे, इस तरह। ठीक है, मेरे संग संग, संग 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 आया आया रिसा सा, आया रिसा सा तेरी पाप धपा, तेरी पाप धपा यादों का मेला, यादों गरे गरे, यादों गरे गरे का मेला, रेसा सा सा का रेसा मेला सा सा। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। उसके बाद फिर यही लाइन पूरी रिपीट हो जाएगी दो बार। अकेला गया था मैं, हाँ मैं न आया अकेला, हाँ मेरे संग संग, संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। इस तरह हमारा ये स्थाई कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा अकेला गया मेरे संग संग ये पूरा दो बार रिपीट होगा, तो दो बार ही आपको बजाना है। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा म्यूजिक आ जाता है। इसके बाद भी म्यूजिक आता है जो वो भी बहुत ही बढ़िया म्यूजिक है। तो इस वीडियो में आप शुरू का म्यूजिक और स्थाई तैयार करें। इसके अगले पार्ट में मैं इसका अगला म्यूजिक और अंतर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो में शुरू का म्यूजिक और स्थाई, ये दो चीजें तैयार कीजिए। बहुत ही जल्दी हम आपको इसका अंतरा भी देंगे और अंतरा से पहले स्थाई के बाद जो म्यूजिक आया वो म्यूजिक भी देंगे, तो उसको भी बजाएगा। पूरा गीत आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा। कोई भी गीत है उसको आपको हमेशा विधिवत तैयार करना चाहिए, बिल्कुल एकदम म्यूजिक के साथ। जब आप उसको एकदम म्यूजिक के साथ तैयार करते हैं तो अभी आपको बहुत सारी चीजों का साथ में नॉलेज होता है। म्यूजिक कैसे बजता है, म्यूजिक कैसे डाला जाता है, ऐसा ही म्यूजिक क्यों डाला गया, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं। गाने के फील के हिसाब से म्यूजिक को कैसे बनाया जाता है
वो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको आप तैयार करें, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस वीडियो कॉल से होती हैं, ऑनलाइन पे वीडियो ट्यूटोरियल से भी होती हैं, घर बैठे ही आप सीख सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी फिल्मी गाना, गजल, भजन, ढोलक, तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड, कुछ भी आप मुझसे सीख सकते हैं। बस आप हमारे साथ बैठें, क्लास ज्वाइन करें, और भाई देखिए जैसे मैं बताऊं उसे प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के ये आने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी उसमें आप कोशिश कीजिए, कितने भी आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने से हम सिर्फ नकल कर सकते हैं किसी गाने की, देख करके उसको वैसे बजा लेंगे, और वो भी एक गाना अगर हम देख करके कितना भी उसको बजाएं उसमें वो फिनिशिंग कभी नहीं आती। फिनिशिंग के लिए हमें अपनी तैयारी करनी ही पड़ती है और प्रॉपर रियाज करना ही पड़ता है। ताल अगर ठीक नहीं है तो ताल का भी हमें रियाज करना पड़ता है। कोई चीज़ आपकी ठीक नहीं है वो एकदम कैसे ठीक हो जाएगी भाई, उस पर जब आप काम करेंगे तभी तो ठीक होगी, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।